सोलन के कंडा घाट में दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल फाउंडेशन द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता फाउंडेशन के चेयरमैन बलवंत शौकीन ने की, वहीं भाजपा नेता राजेश कश्यप बतौर विशिष्ट अतिथि शामिल हुए। इस मौके पर स्कूल की विशेषताओं के बारे में जानकारी दी गई और बताया गया कि स्कूल में सभी तरह की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। सोलन के कंडा घाट में दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल फाउंडेशन द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता फाउंडेशन के चेयरमैन बलवंत शौकीन ने की, वहीं भाजपा नेता राजेश कश्यप बतौर विशिष्ट अतिथि शामिल हुए। इस मौके पर स्कूल की विशेषताओं के बारे में जानकारी दी गई और बताया गया कि स्कूल में सभी तरह की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इस मौके पर भाजपा नेता राजेश कश्यप ने प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का MOU करने पर धन्यवाद किया। अधिक जानकारी देते हुए भाजपा नेता राजेश कश्यप ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री देश विदेश की यात्रा कर प्रदेश में 24,000 करोड़ के निवेशकों को मनाया है। वहीं उन्होंने दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक फाउंडेशन से 250 करोड़ रुपए MOU किया है, जिसमें ये संस्था 250 करोड़ रुपए का निवेश कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि ये स्कूल प्रदेश का सबसे बड़ा स्कूल होगा। इसके आने से कंडा घाट में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। बड़े हर्ष की बात है कि पूरे भारतवर्ष में विकास की गंगा बह रही है और इस विकास की गंगा बहाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी पूरा परिश्रम कर रहे हैं। ये विकास की गंगा का रुख हिमाचल की ओर मुड़े, उसके लिए हमारे शानदार, जानदार और ईमानदार मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी पूरा परिश्रम कर रहे हैं कि हिमाचल में भी जो है पूरी तरह से जो है डेवलपमेंट हो। अभी कुछ ही दिन पहले जो उन्होंने देश और विदेश की यात्रा करके हिमाचल में 24,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट को रेज किया है, वो उसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं और मुबारकबाद भी देते हैं साथ साथ कि उनका परिश्रम जो है फल ला रहा है। इसी विकास की गंगा में जो हमारा ये सोलन जिला है, उन्होंने कंडा घाट में जो एक विशेष अभी MOU हुआ है, जिसमें कि दिल्ली वर्ल्ड स्कूल के साथ 250 करोड़ का एक प्रोजेक्ट यहाँ पे जो खड़ा किया गया है, जिसमें लगभग 6,000 बच्चे जो पढ़ेंगे और इस जो ये प्रोजेक्ट है, जो ये MOU हुआ है, उसकी विशेषता ये है कि इसके इसमें जो 60% बच्चे जो है वो डे स्कॉलर होंगे और उन 60% बच्चों में से बच्चे कंडा घाट तहसील के होंगे, उनको 15% उस पे जो है फीस की छूट मिलेगी। तो ये था आज दिन भर का कार्यक्रम, कल फिर हाजिर होंगे नई गिनती के साथ। आप ऐसे ही जुड़े रहिए एस जुड़े के साथ। नमस्कार।